आपके जीवन में कंसिस्टेंसी रखनी बहुत जरूरी है, निरंतरता। एक क्वेश्चन का जवाब देना मेरे को आप, आरबीएससी टॉपर, सीबीएसई टॉपर, यूपीएससी टॉपर, नीट के लिए टॉपर, सारे के इंटरव्यू अखबार में आते होंगे, आपने पढ़े होंगे, वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, पता है आपको क्या कहते हैं? कभी वो उनसे कहते हो सुना कि यार मैं एक महीने पढ़ाई की और मैं टॉप हो गया, मैं पांच महीने पढ़ाई की और टॉप हो गया, अरे यार मैं दिन के ऐसे ही पढ़ता था ऐसे टॉप हो गया, कभी ऐसे सुना क्या आपने? सुना क्या बताइए, टेल मी मुझे आंसर, सुना नहीं। वो क्या कहते थे? कंसिस्टेंसली रोज मैंने 5 घंटे पढ़ाई की, यही है ना। कोई कहता था कंसिस्टेंसली मैंने 8 घंटे रोज पढ़ाई की, कोई कहता था मैंने 12 घंटे रोज पढ़ाई की। तो यह होता है कंसिस्टेंसी की ताकत। 1, 2 दिन, 3 दिन या 1 घंटा आधे घंटे पढ़ने से क्या होता है, आपके टॉप बन जाओगे, क्लास में टॉप आ जाओगे। आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी और रेगुलर पढ़ना होगा। अगर रेगुलर आप नहीं पढ़ोगे ना, अगर 1 महीने भी आपने कंसिस्टेंसी रख ली, यार आप 5 घंटे पढ़ लिया और फिर भी आप फिर वापस 11 महीने नहीं पढ़े, तो वो कोई मतलब का नहीं। मैं कह रहा हूं आप 1 घंटा ही पढ़ेंगे डेली, नियम बना ले कि मेरे को 1 घंटा रोज पढ़ना है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, कुछ भी आए, मेरे को 1 घंटा रोज पढ़ना है। दावा है मेरा, जो 5 महीने की तैयारी करते हैं ना, वो आपसे पीछे रह जाएंगे। भले आप रोज का 1 घंटा पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंसली पूरे साल पढ़ रहे हो, लेकिन आप आगे निकलोगे। जो 3 महीने और 4 महीने पढ़ाई कर रहे हैं ना, उससे आप आगे निकल जाओ। बस आपकी 1 घंटे की रोज की मेहनत, लेकिन देना क्या होगा आपको, रोज कंसिस्टेंसली 1 ईयर देना होगा। आपको कहीं जाना है, कहीं करना है, तो आपको शेड्यूल फिक्स करना होगा, लेकिन आपको 1 घंटा पढ़ना है तो 1 घंटा पढ़ना होगा, वो कंसिस्टेंसली आपको पढ़ना होगा, तभी आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके स्टूडेंट लाइफ में कुछ ना कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना होगा, कुछ ना कुछ तो आपको त्याग करना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, साथ में जॉब भी करूं, साथ में दोस्तों के साथ में घूमूं भी, पिछोर आ जाऊं, फतेह सागर जाऊं, दोस्तों की पार्टी में जाऊं और शादी में जाऊं, हर जगह जाऊं, नो नेवर, सारी चीज एक साथ नहीं होगी। आपको कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना होगा अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। बिना सेक्रीफाइस के आप कुछ कर पाओगे? आप इंजॉय भी कर लोगे, अच्छे नंबर लाओगे, आप शादियों में घूमोगे, आप बाहर घूमने जाओगे, आप अपने पढ़े के टाइम सारा सब कुछ एक साथ हो जाएगा क्या? टेल मी वन थिंग, हो जाएगा? नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, ओलंपिक गेम्स कितने टाइम में आते हैं? 4 ईयर्स। साइना नेहवाल नाम सुना होगा आपने, कौन है? 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, पता है? 4 साल बाद जब उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लंदन में जीता 2012 में, वो अपने घर पे आए तो उन्होंने पता है क्या किया? घर पे आते फर्स्ट टाइम क्या किया पता है आपको? पिज्जा डिलीवर किया। क्या किया? पिज्जा डिलीवर किया। पढ़ लेना उनकी जीवनी। अब आओगे कि सर घर पे आके मैंने ना पिज्जा डिलीवर किया? बिल्कुल, 4 साल से उन्होंने पिज्जा के हाथ ही लगाया था और उनकी फेवरेट डिश थी पिज्जा। क्यों हाथ नहीं लगाया? क्योंकि वो उनके खेल के लिए हानिकारक था पिज्जा। 4 साल तक उन्होंने पिज्जा नहीं खाया था। दिस इज अ सेक्रीफाइस। विदाउट सेक्रीफाइस यू कांट डू नथिंग। तो सेक्रीफाइस तो आपको कुछ करना होगा। आप क्या सोचो कि हम सेक्रीफाइस भी नहीं करें, कुछ भी नहीं करो, सारा सब कुछ हासिल कर लें? इट कांट बी पॉसिबल इन योर लाइफ। कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। जब उन्होंने पिज्जा मंगाया तो बहुत से ना क्वेश्चन किए कि आप पिज्जा मंगा रहे थे, तो उन्होंने यही कहा था कि मैं 4 साल तक मेरे जो हेल्थ जो मेरे को एडवाइस देते, उन्होंने ये कहा था पिज्जा आपके इस खेल में पिज्जा मत खाना। और अपन क्या करते हैं उसकी जगह दूसरा होता, आप क्या करते हैं? जैसे आपके डॉक्टर ने कह दिया यार ये चीज मत खाना, था आप क्या करते हो? यार एक दिन तो खा लेता हूं, एक दिन से क्या फर्क पड़ रहा है? फिर आप एक दिन खाते हो, अरे यार एक दिन खा लिया, चलो यार सप्ताह में एक बार खा लेते हैं, यार क्या फर्क पड़ रहा है? फिर सप्ताह में एक बार भी, महीने में यार 4-5 बार खा लेते क्या फर्क पड़ रहा है, चलो और। तो सप्ताह में, महीने में, और वो टाइम टाइम करते हो कितनी बार हो जाता है आपको खुद को पता ही नहीं चलता है। जब आप उसको एक बार छोड़ देते हो ना,
तो बस वो आपसे छूट जाता है। लेकिन बीच बीच में अगर आप उसको लेते रहते हो ना, तो वो आपकी आदत बन जाती है। इसलिए आपको सेक्रीफाइस करना होगा, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे।